दोस्तों, आपने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारी गेम्स खेली होंगी, चाहे वो गेम्स ओल्ड वर्जन के हों, जैसे कि वन ऑफ द फेमस गेम सबवे सर्फ्स, कैंडी क्रश, इमेंगी स्टूडियोज की बनाई गई मोस्ट पॉपुलर गेम्स टेम्पल रन हो। लेकिन आज के टाइम में हम गेम्स खेलने के साथ साथ लोगों से कनेक्ट होते जा रहे हैं, जैसे कि गेरेना इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा बनाई गई वन ऑफ द फेमस गेम फ्री फायर, जिसका कि अब नाम चेंज करके गेरेना फ्री फायर से लेकर गेरेना फ्री फायर मैक्स कर दिया गया है, और क्रैप्टन इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से बनाई गई गेम पबजी हो, इसका भी नाम और वर्जन चेंज करके अब इसे BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से इंडिया में लॉन्च किया गया, या फिर हम बात करें इन दोनों गेमों से बड़ी गेम की यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी की। इन तीनों गेमों में हम ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़कर गेम खेलने के साथ साथ उनसे फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम इन सब गेमों के बारे में ना चर्चा करके बल्कि एक ऐसे गेम के बारे में बात करेंगे जिसको कि हम ना चाहते हुए भी हमको खेलना पड़ता है। अरे ये भगवान, क्या जुल्म है। तो मेरा नाम है प्रांजल गुप्ता और आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ हमारे क्रोम ब्राउजर में अवेलेबल एक गेम की, जिसका नाम है डिनो टीरेक्स गेम। इस गेम के बारे में ये कहा जाता है कि इसको हर महीने करीब 270 मिलियन यानी कि 27 लाख लोगों के द्वारा रोजाना इसे खेला जाता है, यानी कि पूरे साल के 12 महीने में लोगों को न चाहते हुए भी इस गेम को 3,24,00,000 बार खेलना पड़ता है। मैं इस गेम को न चाहते हुए इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब आपके फ़ोन में आपका डाटा ऑन रहेगा तो यह गेम आपको दिखाई ही नहीं देगा। ये भगवान, क्या जुल्म है। बल्कि जब आपके फोन का डाटा ऑफ रहता है और क्रोम ब्राउजर ओपन रहता है तो यह गेम अपने आप पॉपअप के फॉर्म में आपके सामने मौजूद हो जाता है, जिसको मजबूरी में आकर आपको खेलना पड़ सकता है। इस गेम को 2014 में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। गूगल के द्वारा लॉन्च करने का मेन मोटिव उनका ये था कि वो अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को चेक करना चाहते थे और उन पर और भी सुधार करना चाहते थे, ताकि जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं आ रही हो तब उनके कस्टमर फ्रस्ट्रेट ना होकर बल्कि उस गेम में बिजी रहें, जिस कारण से उनका बॉर्डम कम हो सके और उनके कस्टमर इंटरटेन होते रहें और उन्हें एक बेटर रिस्पांस बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के मिलता रहे। इस गेम की अट्रैक्ट करने वाली ये चीज़ है कि अगर आपने कभी ध्यान से इस गेम को देखा होगा तो इसमें जो डायनासोर बना हुआ है वो कभी चेंज ही नहीं होता है और ना ही कभी उसकी मौत होती है। अगर हम बात करें आज से करीब 165 ईयर पहले की, जब डायनासोर अर्थ पर मौजूद थे, यानी कि मेसोजोइक एरा की, जिसको कि 3 टाइप में एक्सप्लिसिट किया गया है। फर्स्ट ट्राइएजिक, जिसमें डायनासोर की शुरुआत हुई थी। सेकंड जुरासिक, जिसमें डायनासोर पूरी तरह से अर्थ पर एक्सपेंड हो चुके थे। थर्ड क्रेटाकस, जिसमें डायनासोर पूरी तरह से अर्थ पर रूल कर रहे थे। तो इस मूवी यानी कि जुरासिक पार्क के सभी 6 पार्ट में हम सबको यह दिखाया गया है कि जो टीरेक्स डायनासोर था वह अब तक का अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे खतरनाक डायनासोरों में से एक था, जो हवा में उड़ सकता था, पानी में तैर सकता था इसी वजह से इस डीनो टीरेक्स गेम में सभी डायनासोर के कैरेक्टर का यूज न करके बल्कि टीरेक्स डायनासोर के कैरेक्टर का यूज किया गया है, जो कि कभी नहीं मरता है। अब इससे सीखने वाली बात यह है कि गूगल ने एज अ कंपनी के रूप में कितनी माइनर चीज़ों का भी ध्यान दिया है कि ऑफलाइन में भी उनके कस्टमर से उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।